हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं काजो। हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रक्षाबंधन के प्रमोशन में जुटी हैं। इसी बीच भूमि पेडनेकर ने अपना 33वां बर्थडे भी मनाया। भूमि पेडनेकर के बर्थडे इस बार काफी खास रहा क्योंकि एक्ट्रेस ने अपना जन्मदिन भारत में नहीं बल्कि लंदन में सेलिब्रेट किया है, जिसमें उनके को स्टार अक्षय कुमार ने अनोखा काम किया। दरअसल भूमि पेडनेकर अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन को लेकर लंदन में प्रमोशन करती नजर आई हैं। भूमि पेडनेकर ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में भूमि ने लिखा है कि काम के साथ साथ कैसे जन्मदिन मनाया जाता है। भूमि पेडनेकर ने इस वीडियो पर आप गौर करें तो देखेंगे कि ब्लैक कलर की ड्रेस में भूमि का लुक बेहद शानदार लग रहा है। साथ ही फिल्म रक्षाबंधन की स्टार कास्ट अक्षय कुमार और डायरेक्टर आनंद एल रॉय उनके साथ नजर आ रहे हैं। इस बीच के कटिंग के दौरान अक्की भूमि पेडनेकर के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर ने लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। उनकी फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में रणवीर के साथ वाणी कपूर संजय दत्त अहम किरदार निभाते नजर आए। शमशेरा की खास बात यह है कि इस फिल्म में रणवीर कपूर का डबल रोल है। फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई की है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म ओपनिंग डे पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होगी, मगर ऐसा ना हो पाया। रिपोर्ट्स की माने तो शमशेरा का ओपनिंग डे कुछ खास नहीं रहा। शमशेरा का पहले दिन का कलेक्शन सामने आया है। बिग बजट फिल्म से जितनी उम्मीद की गई थी उस पर ये खरी नहीं उतर पाई। पहले दिन नंबर कम ही रहे, हालांकि वीकेंड पर ये नंबर बढ़ सकते हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर शमशेरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी दी। तरण आदर्श ने बताया कि शमशेरा ने पहले दिन 10.25 करोड़ का बिजनेस किया, जो उम्मीद से काफी कम है। शमशेरा के पहले दिन की ऐसा बिजनेस करने से इसकी शुरुआत ही मुश्किल हो गई है। रणवीर कपूर की शमशेरा कोरोना के बाद दूसरी रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है। ये फिल्म 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो शमशेरा ने मुंबई में कुछ खास बिजनेस नहीं किया। मुंबई दिल्ली और यूपी के बिजनेस में भी ज्यादा फर्क नहीं। टीवी इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री के लिए एक दुखद भरी खबर है। भाभी जी घर पर हैं, फेम एक्टर दीपेश भान का निधन हो गया। दीपेश शो में मलखान सिंह के किरदार में नजर आते थे और अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। अचानक से उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई चौंक गया है। दीपेश के निधन के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन वह शनिवार की सुबह क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक से गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीपेश के को स्टार चारुण मलिक उनके निधन की खबर से बेहद दुखी हैं। दीपेश के साथ अपने बॉन्ड के बारे में बात करते हुए चारुण ने बताया कि मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे सुबह इसके बारे में पता चला। मैं उनसे कल मिली थी, वो एकदम ठीक थे, हमने साथ में कुछ वीडियो भी बनाए थे। मैं उन्हें बीते 8 सालों से जानती हूँ और सेट पर उनके सबसे क्लोज थी। हम साथ में खाना खाते थे, वो मुझे सीन्स में गाइड भी करते थे। स्टार प्लस के दमदार शो अनुपमा में इन दिनों माँ बेटी पिता और उसके बॉयफ्रेंड के बीच घमासान चल रहा है। शो में पाखी अधिक से शादी करने का मन बना चुकी है। शो में अब तक आपने देखा बरका महंगे महंगे बैग्स और आउटफिट्स लेकर पाखी को लुभाने की कोशिश कर रही है। वो उसके लग्जरी लाइफ जीने का भी लालच देती है। इधर अनुपमा अपनी माँ के घर से जब कपाड़िया हाउस आती है तो बेटी को देख दंग रह जाती है। शो के अगले एपिसोड में पाखी माँ की डांट खाने के बाद उसे आंखें दिखाती नजर आएंगी। अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स यहीं पर खत्म नहीं होंगे। शो के अगले एपिसोड में अनुपमा अपनी जिद्दी और अनिल बेटी के करियर पर फोकस करने की सीख देगी। अनुपमा और पाखी इस तरह बहस करती रहेंगी और बरखा पाखी का पक्ष लेगी, लेकिन अनुपमा उसे जबरदस्त जवाब देकर मुंह बंद करा देगी। और फिलहाल के लिए बॉलीवुड गपशप में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वाले।